स्वागत है भाइयों और बहनों हमारे चैनल पबजी डीमंस में। आज का मैच बड़ा ही रोचक होने वाला है। एक है आज का मैप है शेनॉक। शेनॉक हो रहा है आज का मैच। आज का मैप होने वाला है शेनॉक। टीम एक पे है कैप्टन वरुण। कैप्टन वरुण की टीम है ये। टीम दो पे है एसएससी। उनको पता नहीं क्या की क्या कंफ्यूजन है। ये बस में बैठते हैं, आज नाव में बैठते हैं, कहीं भी आते रहते हैं। 11 पे है हमारी टीम बॉर्डर। बॉर्डर आज तीन ही रंबे आएंगे। 12 पे है हमारी टीम यूनाइट। आज इनके बंदे यूनाइट नहीं हो पाएंगे, शायद यूनाइट हो जाते अगर एक चार तो मैं शिकारी आप टीम है ये और ले के आते हैं आज। सॉरी सब लड़के टीम है, शिकारी भी टीम है। हमारी बहुत अच्छी टीम है जो हमेशा पंचे होती है। नीचे के आज तीन बंदे आए हैं और ये लैंड भी कर गए हैं। कहाँ पे ये लैंड कर गए हैं? पाई नाम में बहुत सारी टीमें लैंड कर चुकी हैं। यहाँ 10-20 मौत भी है, उनके साथ बंदे भी हैं। यहाँ पर हमेशा 18 टीम नौ दो वन दो बंदों के तीन बंदों के साथ फेस ऑफ करेंगे। या नेक्स्ट टीम और यहाँ टोनी ने ख़त्म ही कर दिया है। टोनी ने ख़त्म कर दिया है एक बंदे को जो कि था यूनाइट के। यहाँ रवि यादव नॉक हो गए हैं। रवि यादव नॉक हो गए हैं। यहाँ पर कवर दे रहे हैं, नॉक किया यहाँ पर सन लॉर्ड को। बहुत ही अच्छा यहाँ इंटेन पीछे का कवर दे रहे हैं। यहाँ बचने के लिए को भी नॉक किया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। वेनम यहाँ पे आज भाई मौत की टीम बहुत ही प्रॉब्लम में आ गई है भाई, क्योंकि दो बंदे फिनिश हो गए हैं। एक नॉक है, एक बंदा पीछे पीछे है और भाई वो क्या ही कर सकता है जब उनके तीन बंदे उनके नॉक बंदे के खोपड़े पे घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गनलॉक भी फिनिश। भाई डेफिनेट का वो वन ऑन वन इन टीम के साथ बहुत क्रूशियल था। उन्होंने बहुत ही अच्छा दिखाया है। ये देखते हैं यहाँ पे टीम म्याओ भी थोड़ा एक्शन में आ गई है। टीम म्याओ के सामने क्या है? टीम म्याओ के सामने है तो फंस रहा है। थोड़ा सा लैग होने लगा है कि टीम नौ के सामने है। एस एस सी यहाँ पे थोड़ा चार्ज करती हुई नौ के ऊपर। उनको एक ईजी टारगेट मिला है क्योंकि वो टॉक्सिंग यहाँ पे डेफिनेट ने मौत को फिनिश कर दिया। नौ जनेका केले रखी है, जनेका के ऊपर चार्ज हुआ, जनेका के ऊपर चार्ज हुआ। Thank you.
शक्ति को ट्रॉफी मिलते हुए। मिस के साथ है सेमेस्टर्स, और मिस के साथ जब भी सेमेस्टर्स होते हैं तो ये बहुत दिक्कत और बहुत अच्छा गेम प्ले होता है हम लोगों का टीमों का, क्योंकि मिस पीपी और सेमेस्टर टॉक दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको ये पता है ये पहले एक ही स्क्वाड में खेलते थे, अब अलग अलग हैं। देखना जहाँ पे मिस पीपी के मैच जो है डैडी दे वो भी मेज से, और यहाँ मे डैडी भी नॉक हुए हैं, दिक्कत वाला हो गया है थोड़ा। वहाँ पे मिस भले ही कवर में है तो वो रिवाइव हो जाएंगे, लेकिन डैडी को यहाँ रिवाइव करने में बहुत दिक्कत होगी। समीरा को थोड़ा चार्ज देना होगा रिवाइव के लिए, यहाँ समीरा अगर चार्ज लेंगी यहाँ पे समीरा गई है उनको रिवाइव देने, और समीरा भी पीपी का बहुत अच्छा प्लान, और यहाँ पे आईएनजे ने बहुत ही अच्छा कवर दिया है। यहाँ पे नॉक समीरा पीछे आते हुए पीपी डाइजन पीपी नेशनल टॉप को भी नाइस नॉक किया है। रेहान अकेले खत्म, और यहाँ पे सेमेस्टर की टीम खत्म। सेमेस्टर्स ने बहुत ही अच्छा कवर लिया, लेकिन उनको बहुत ओपन में थे, स्मोक करने चाहिए थे थोड़े। यहाँ मैच में थोड़ा कवर लेके बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाया है, बहुत ही अच्छा क्लियर किया है उनको। यहाँ तीन फाइल हमारे मिस बची है, यहाँ कुछ ही गैंग बचा हुआ, कुछ ही गैंग थोड़ा सेफ हो गया है, जो कहीं आपको मिलेगा सेफ खेलना अपना बेटर समझे। यहाँ वाइट वॉकर्स हमारे बनेगा, यहाँ पर नेमार ने लॉक किया है एसएसक्यू को, टाइमर देख के फिनिश कर दिया दो बंदे को। हाँ देखते थे चार्ज किया उसके अंदर से देखते हैं, ऊपर है और लक्ष्मण घर से निकल गए हैं बच्चे। यहाँ पे सीके टीम सीके हमारी सर्विस लड़ने पे आ गई है, वो भी और फिनिश किया भाई यहाँ पे। आर्मी ने क्या ही हमको राजे को जाने कहाँ से बड़ी आपके पीछे से कभी ओ भाई आशी शर्मा भी मैं इंटू को जब चलेगी तो भाई
मैं पर थोड़ा ऊपर चढ़ते हुए हाँ ऊपर चढ़ सकते हैं, सीढ़ी लगी है इस साइड से, मैं तो इस साइड से कर सकते हैं, मतलब यहीं से इधर से चढ़ेंगे तो हो गया, सीधे पड़ेगी दोनों। यहाँ मैं पीछे की तरफ निकलती हूँ, कैप्टन रवि के बीच में है, गुची गैंग की थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि गुची गैंग के पास आ गए हैं तीन शिकारी, जैसे कि शिकारी आ गए हैं गुची गैंग के भाई क्या ही नॉल किया है, बहुत ही प्यारा नॉल, बहुत ही प्यारा नॉल। यहाँ डेफिनेट का नॉक हुआ था लेकिन वो अब रिवाइव हो गए होंगे। यहाँ डेफिनेट डैमेज देते हुए लेकिन का डैमेज थोड़ा काउंट नहीं होगा। अब जोन बन गया है, जोन में भी जाना है। और यहाँ जोन बहुत ही अच्छा बना है और जोन में अभी दो टीमें एंटर की हैं, एक है हमारी वॉरडॉग और दूसरी है हमारी स्टड। स्टड लड़के पहुंच गए हैं जोन में, शिकारी यहाँ फंसे पड़े हैं और गुची गैंग पे क्या भी एडवांटेज है हाई ग्राउंड का, बमबारी हो रही है यहाँ पे और ये गया नेट। और भाई रवि यादव को डैमेज तो बहुत करेगा अगर नहीं, यार अंदर फेंको, अंदर फेंको, डेफिनेट नॉक यहाँ पे, डेफिनेट फिनिश भी हो गए, केवल रवि यादव बचे हैं अब और जोन चल गया है और रवि यादव भी फिनिश। कूल डून वाइटी ने उनको मार दिया। चलिए भैया गुची गैंग अब जोन में निकलिए, आपको जोन में भी जाना है। यहाँ पे मिस की टीम पीछे से जोन में आ रही है और वॉरडॉग टीम यार बहुत सेफ खेली है लेकिन बहुत अच्छी बात है, ड्रॉप आ गया है। अब टीमें बची हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टीम बची है हमारी, जिसमें से 2 हमारे सोलो बंदे हैं जो कि एक एक टीम के हैं। आप देख ही रहे हैं ये कितना अच्छा वो चल रहा है इनका, कि अगर आपकी टीम कोई फाइट में लॉस हो जाता है, आपके 2 बंदे या फिर 3 बंदे नॉक हो जाते हैं और वो रिवाइव होने के चांसेस में नहीं है, तो आप पॉइंट के लिए सेफ खेल के आप वहाँ से निकल के टीम को पोजीशन ला के पॉइंट्स ले सकते हो। दिस इज़ अ गेम, इसमें आपको जीतना ज़रूरी नहीं है, आपको दिमाग से खेलना है कि हाउ मच पॉइंट यू कलेक्ट।
यहाँ पे एम लेते हुए कैप्टन वरुण, वो भी मैड बॉय पे। ओ मैड बॉय ने यहाँ पे स्मोक किया है निकलने के लिए। इधर है कैप्टन वरुण को ये देख लिया, कैप्टन वरुण को डैमेज दिया और कैप्टन वरुण को भी आना है जोन में। गुची गैंग भी आ रही है जोन में, दिक्कत हो जाएगी सीके के ऊपर और कैप्टन वरुण के ऊपर अगर वहां से निकले नहीं। मैंने बोला था देखा, गुची गैंग ने उधर से दे दिया है। यहाँ किलर के शॉट पड़े हैं लेकिन कोई फायदा नहीं और कैप्टन वरुण की टीम यहाँ पे फिनिश होती है। यहाँ टोनी ने नॉक किया है ऋतिक को और मेमार्क ने नॉक किया है और फिनिश कर दिया है राधे भाई को। यहाँ मेमार्क भी नॉक, यहाँ पे डॉक्टर भी नॉक और केवल रॉय बचे हैं। यहाँ पे मिस्टर रॉय बचे हैं, रॉय भाई को कुछ करना पड़ेगा और रॉय भाई ने फिनिश कर दिया है स्टार्ट की टीम को। और यहाँ पे मिस का एक फटका पड़ा है भाई, देखो एक फटका पड़ा है मिस्ट का और पूरी टीम मिस्टर माइक्रो मिस्टर मार्को भी ख़त्म, मिस्टर मार्को की पूरी टीम ख़त्म। क्या मैं यहाँ पे स्मैड बॉय सीके ने बहुत ही अच्छा नॉक किया हुआ है किलर बॉय को। भाई किलर बॉय नॉक है और मैड बॉय अंदर है तो इन पे होगा अब रश क्योंकि अकेले बंदे। ओ भाई क्या ही डैमेज दिया है लेकिन मैड बॉय का खेल ज़्यादा देर तक है नहीं, फिनिश ही कर दिया। ओ भाई इन्होंने एक बंदे को ले के मरे हैं गुची गैंग के, गुची गैंग के तीन ही बंदे हैं अभी वो जिंदा है। यहाँ वॉर्डॉग पे थोड़ी एडवांटेज है क्योंकि जोन में है, मिस की टीम भी जोन में आ गई है। ड्रैक्स बहुत सेफ खेल रहे हैं जोन टू जोन, शायद उन्होंने वॉर्डॉग को देख लिया है। वाइट वॉकर्स घास में क्यों लेट रहे हैं और यहाँ पे वाइट वॉक नहीं, यहाँ पे पोलते को पट्टे से पड़ी है वो भी टेस्ला ने दिया है। बोलते यहाँ पे आ गए हैं घुटनों पे तो बना दिया है डॉगी स्टाइल। अब जरा देव फिनिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जोन की बारी, जोन टू जोन खेल रहे हैं, जोन पहले प्रियोरिटी है इनकी भी। यहाँ पे वाइट वॉकर्स को थोड़ा दिख रहे होंगे ये वॉर्डॉक्स, जरा देखा गया नहीं, देख नहीं रहे ये लोग, देखा शायद देखा हमने कहा ना देखा और देख लिया। और यहाँ पर वॉर्डॉग नीचे की तरफ खिसकते हुए बहुत ही खतरे में है यहाँ पे वॉर्डॉग। वेजिटा अकेले बाकी हैं इनके खिलाड़ी, ओ वेजिटा भी फिनिश, वॉर्डॉग भी फिनिश। यहाँ मिस की फाइट चल रही है शायद गुची गैंग से, यहाँ पे गुची गैंग के मेंबर नॉक, एक पट्टे से पड़ा है कार 98 का शॉट। यहाँ मिस लाला भी नॉक, मिस लाला को उठाइए भैया, मिस्ड
कुछ स्मोक करिए, स्मोक कूल डूप जोन के बाहर फाइट ले रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। किला बोलते जोन में आने की कोशिश में नॉक, कूल डूप हेल्थ लगा रहे हैं पक्का, हेल्थ लगाया उन्होंने और यहाँ पे मिस पीपी ने उनको देखा और फिनिश किया। तो यहाँ पे गुची गैंग भी फिनिश हो गई है। यहाँ पे मिस के तीन बंदे हैं, ड्रैक्स के तीन बंदे हैं और एक हमारे सोलो बंदे हैं और वो भी फिनिश हो गए हैं जस्ट अभी। तो नेट चल नहीं रहा है, हाई पुल आ गई है कितनी 300 की, बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड में इसका, सारे बंदों ने तीन तीन किल किए हैं। यहाँ पे फीनिक्स के दो किल हो जाए तो इनके भी दो 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 हो जाएंगे तीनों के, बहुत ही अच्छा पैटर्न लेके चल रहे हैं सारे पैटर्न और किल्स यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वाइट वॉकर्स और मिस का गेम देखने के लायक होगा क्योंकि दोनों ही अपोजिट में है। वाइट वॉकर्स ने लिया है कंपाउंड और मिस है ओपन में। यहाँ पे मिस्ट को पता चल गया है कि वाइट वॉकर्स यहीं पे हैं, कंपाउंड नहीं है। लेजेंड वहाँ से पीक लेते हुए और भाई क्या ही जोन बना है पूरा मिस के ऊपर। मिस्ट बहुत अच्छे एडवांटेज पे लेकिन यहाँ पे मिस्ट लाला को थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि अभी भी वो जोन के बाहर है। यहाँ पे वाइट वॉकर्स का बहुत ही अच्छा स्मोक वॉल, उनको भी जोन में निकलना है और लीजेंड निकले हैं यहाँ जोन में। और भाई यहाँ पे फीनिक्स ने नॉक किया है मिस्ट पीपी को, यहाँ लाला ने नॉक किया है फीनिक्स को, ड्रैक्स को भी नॉक, लाला ने नॉक हुए हैं ना। ओ भाई लीजेंड भी नॉक है, केवल फीनिक्स बचे हैं, इधर वो सलीम बचे हैं। वन ऑन वन की फाइट है, देखना होगा कि क्या ड्रैक्स रिवाइव होना चाहेंगे। बहुत ही जल्दी डैमेज आ रहा है और ये वन ऑन वन की लड़ाई में यहाँ पे मिस सलीम ने थोड़ा सा लेट कर दिया है शायद। हाँ और वॉर्ड और वाइट वॉकर्स की विन, चले मिलते हैं अगले रूम में।